यहाँ पे फेलिसिटेशन प्रोग्राम चल रहा है उन सभी बच्चों का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं, तो उन सभी लोगों का फेलिसिटेशन चल रहा है, जिसमें ये बच्चे अभी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे अपना सक्सेस मंत्रा शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी की और इन बच्चों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। हेलो, मेरा नाम सुधांशु ओझा और मेरा दोस्त अखंड प्रताप सिंह। अभी यहाँ सेरेमनी चल रहा है जो बैंकिंग में जिनकी सिलेक्शन हुई है, और हमें देखे अच्छा लग रहा है, हमें मोटिवेशन मिल रहा है ताकि हम लोग भी एक दिन आके यहाँ बैठा करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सर। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है उन बच्चों का जो बैंक पीओ में भी ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेलेक्ट हुए हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो आईबीपीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, तो कई बच्चे ऐसे हैं जो एसबीआई के एग्ज़ाम को उन्होंने क्वालिफाई किया है, और यहाँ पर हमारे यहाँ भी चीफ गेस्ट भी कहीं ना कहीं आने वाले हैं जो ऐसे कहीं ना कहीं वो भी मोटिवेट करेंगे बच्चों को क्या क्या करना है। बाकी ये जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं ये यहाँ पर बच्चों को बता रहे हैं कैसे कैसे उन्होंने कहीं ना कहीं अचीवमेंट प्राप्त किया, और इन चीज़ों को कहीं ना कहीं अगर हम अवेयर होंगे तो और भी बच्चे कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो सकते हैं। हमारे साथ हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट खुशबू, जो बैंक में सेलेक्ट हो चुके हैं। ये आपको बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में, यहाँ के अनुभव के बारे में और अपनी सफलता के बारे में। खुशबू। थैंक यू सर। मेरा नाम खुशबू सिंह है और मैं एक महिंद्रा की एक साल पुरानी स्टूडेंट हूँ, जिसने अपनी जर्नी 2022 में शुरू की थी और पहले ही अटेम्प्ट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीओ में सिलेक्शन लिया है। मेरी जर्नी बहुत आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल भी नहीं थी, बट जैसी थी अच्छी थी। मैंने अपनी मेहनत पूरी शिद्दत से की है, जो भी मुझे हेल्प लगी मैंने कोचिंग के फैकल्टीज मेंबर से किया। ऑफलाइन टेस्ट जो होते थे यहाँ रेगुलरली वीकली बेसिस पे, वो मैंने रेगुलर दिया है, एंड जो ऑनलाइन मॉक भी होते थे वो भी मैंने बहुत ही अच्छे से दिया है। मेंस की प्रिपरेशन आपको महिंद्रा के फैकल्टीज मेंबर बहुत अच्छे से कराते हैं। इवन जो इंटरव्यू का प्रोसेस है उसमें क्या होता है, आपको क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, सब कुछ आपको यहाँ बताए जाएंगे, एंड इसके थ्रू आप अपने जर्नी या अपने उस डेस्टिनेशन के लास्ट स्टेप पर पहुँच सकते हैं जहाँ मेरी तरह हर एक बच्चों का सपना होता है। सर हमारे साथ हैं हमारे कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के बारे में, कुछ कहना चाहेंगे सर? इस समय हमारे सामने तान्या हैं और इनका सिलेक्शन हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, और ये मतलब पढ़ने में एक चीज़ बता दें इनके बारे में कि ये एक एवरेज विद्यार्थी थी, ना बहुत ज़्यादा होशियार थी ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। इनका मैथ्स काफ़ी वीक था, लेकिन मैंने इनसे सिर्फ यही एक बात बोली थी कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक, तो इन्होंने वही काम किया है कि कोई भी टॉपिक अगर आपको लगाना है तो एक बार नहीं, उसको कम से कम चार चार बार लगाइए, छः छः बार लगाइए, अपने आप आपको आने लगेगा। एक बैच किया है, इसके बाद आज फाइनल सिलेक्शन है। खुश रहो हमेशा। थैंक यू। हमारे यहाँ सेलेक्टेड कैंडिडेट सामने बैठे हुए हैं और ये जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, इनका संबंध करने का प्रयास चल रहा है, और सारे हमारे ब्रांच मेंबर्स अमित सर, इंग्लिश फैकल्टी और ढेर सारे बच्चे हैं, और ये सारे कैंडिडेट्स बस इसीलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले, आप भी कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो। अभी कार्यक्रम चल रहा है, बाकी वीडियोस भी अभी हम लोग इसको ऐड करते रहेंगे। जन्य कुमार जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है बैंक में, महिंद्रा वाराणसी ब्रांच आज सेलिब्रेट कर रहा है अपने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को, वो कैंडिडेट जो बैंक के विभिन्न परीक्षाओं में सेलेक्ट हुए और आज किसी न किसी बैंक में पोस्टेड हैं, तो आज महिंद्रा फैमिली की तरफ से उन सभी को हार्दिक बधाई। हम अपने जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको इसलिए बधाई दे रहे हैं कि वो पहली बार तो सेलेक्ट हुए, मेहनत उनकी रंग लाई और मोटिवेशन दिया आने वाले कैंडिडेट्स को, जो कैंडिडेट आगे कोशिश कर रहे हैं अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। तो इस मोटिवेशन क्रम में हमारा जो कार्यक्रम है, महिंद्रा वाराणसी ब्रांच का जो प्रोग्राम चल रहा है, इस कार्यक्रम में हमारे विभिन्न जो चीफ गेस्ट हैं वो आ चुके हैं, हमारी सारी फैकल्टीज और स्टूडेंट्स इस हॉल में इकट्ठा हुए हैं, और हमारे कुछ फैकल्टी मेम्बर्स भी हैं, ये तालियाँ गूंज रही हैं जो दिखा रही हैं कि कैंडिडेट कितने उत्साहित हैं, और इन तालियों के साथ हमारे अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं वो आपको कुछ मोटिवेशन देंगे। आइए सर, मोटिवेशन दीजिए कुछ बच्चों को। बस मोटिवेशन यही है कि आप लोग पढ़ते रहें, सिलेक्शन होगा आपका और आप भी सिलेक्ट होंगे, और आज आप भी यहीं बैठे होंगे जहाँ पर सभी बैठे हैं, ठीक है ना। बस ये फ़र्क होता है, फ़र्क ये है कि आप जो है यहाँ से यहाँ पर कैसे आ रहे हैं, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। महिंद्रा साइड टीम को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको हार्दिक शुभकामना और बधाई, और जो बच्चे अभी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये संदेश है कि अपने गुरुजनों की बात मानते रहें,
और महिंद्रा की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं, शिक्षा दिया है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, लगन से पढ़ें, निश्चित तौर पे वो भी आगे सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का सम्मान चल रहा है, अमित सर सम्मान करते हुए बाकी सारे फैकल्टी मेम्बर्स, और ये बच्चे जो सेलेक्ट हो चुके हैं अलग अलग बैंकों में, ये मोटिवेशन दे रहे हैं बाकी छात्रों को, ताकि बाकी छात्र भी जो सेलेक्ट होना चाहते हैं, महिंद्रा में आए हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगाया है जिन्होंने, और वो भी चाहते हैं, उनका भी सपना है कि वो भी कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी प्राप्त करें, सेलेक्ट हों, तो उन्हीं सेलेक्टेड कैंडिडेट के साथ उनका एक इंटरेक्शन चल रहा है, जो अपने विचार, जो सेलेक्ट हो चुके हैं कैंडिडेट बैंक में पीओ के रूप में, वो अपने विचार शेयर कर रहे हैं छात्रों के साथ, जिससे छात्रों को मोटिवेशन मिल रहा है। इसी दौरान हमारे फैकल्टी मेम्बर्स भी साथ ही साथ हैं, और इसमें सबसे बड़ी खास बात कि इतने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं कि इसमें जितने भी हमारे लगभग बैंक हैं, सभी बैंकों में कोई ना कोई कैंडिडेट हमारा सेलेक्ट हुआ है महिंद्रा की तरफ से। ये हमारे अमित सर मोटिवेशन देते हुए छात्रों को, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो हमारे सामने बैठे हुए हैं सारे चीफ गेस्ट के साथ। महिंद्रा परिवार अपने बैंक के विभिन्न सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को हार्दिक बधाइयां देती है। हमारे ढेर सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ अलग अलग पदों पर अलग अलग बैंकों में, आज हम उसी को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस सेलिब्रेशन का लक्ष्य यही है कि बाकी के जो छात्र हैं उन्हें मोटिवेशन मिले, ताकि वो लोग मेहनत करें और अगली बार वो भी सफल हों। सफलता सबके लिए बराबर नहीं होती, कोई कभी किसी साल पास हो जाता है, कभी नहीं रह पाता, थोड़ी बड़ी समस्याएँ रह जाती हैं। तो वही जो समस्याएं रह गई, हम सफल कैंडिडेट से मिलेंगे, बातचीत करेंगे क्या क्या समस्याएं हैं उन्हें, कैसे उन्होंने इस समस्याओं से पार पाया, ताकि आप भी आने वाली समस्याओं से जूझ सके और अपने सफलता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।